राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कांग्रेस और सेवा दल कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी जयपुर के परकोटे में सैनिटाइजेशन की कमान संभाल रखी है। इस दौरान जयपुर और सीकर से आए कार्यकर्ताओं की टीम ने इलाके में सैनिटाइज किया। बड़ी चौपड़ से 4 बड़ी सैनिटाइजेशन मशीन रवाना हुई जो अन्य इलाकों में सैनिटाइजेशन करेंगी, और इस दौरान नगर निगम की टीम भी जोशी के साथ रही। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर जोशी की पत्नी को हार्ट की बीमारी है और उनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। जोशी वहां से फ्री होते ही सीधे जनता के बीच पहुंचते हैं। अब उनकी पत्नी की तबीयत में भी सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टर जोशी ने सोमवार को 4 दीवारी में इलाकों में लगे कर्फ्यू को लेकर भी पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। माणक चौक पुलिस स्टेशन पर हवा महल क्षेत्र के कुछ थाना अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और साथ ही कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में भोजन और राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लोगों को हो रही परेशानी का फीडबैक लिया और जनता की परेशानियां दूर करने के निर्देश दिए और साथ ही कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की। राजस्थान अकेले अपने दम पे कोई काम नहीं कर सकता, हिसाब से तो ये परिस्थिति आनी ही नहीं चाहिए। सारी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे कर रही थी, लेकिन कोई आदेश आया केंद्र सरकार का, उस आदेश के कारण से एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। लेकिन हम उससे भी निपटेंगे। हमको केंद्र को केंद्र पे भी दोषारोपित नहीं करना चाहते, किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहते, लेकिन इतना केंद्र से जरूर आग्रह करना चाहते हैं कि अपने खजाने का को खोले, अपने जो उनके क्या कहना चाहिए कि जो भी उनके पास में जितने संसाधन उपलब्ध हैं वो सारे संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये जो इसका एक्शन होगा वो सब राज्य सरकारों के द्वारा होगा। केंद्र सरकार रिसर्च पे जोर दे, खजाना खोले, खजाने की चाबी जो है उसको लगा के खोल के राज्य सरकारों को मुख्यमंत्री ने मांग की है, सारे राज्य सरकारों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मांग की है। मैं समझता हूँ बड़ा दिल